हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग ज्ञान में। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, आज हमने नींबू का सिलेक्शन किया। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप नींबू को कैसे एक प्लांट से दूसरा प्लांट तैयार कर सकते हो। दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपको एक प्लांट से दूसरा प्लांट तैयार करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। दोस्तों एक तो सर दोस्तों प्लांट है, एक तरीका ये है कि आप इसके बीज से तैयार कर सकते हो। दूसरा दोस्तों तरीका ये है कि आप इसके एक तरह से ग्राफ्टिंग कर सकते हो। दोस्तों इसके कट लगा सकते हो, कट लगा के पेंस मतलब एक तरह से कलम लगा सकते हो। तीसरा तरीका दोस्तों ये है कि आप इसको एयर लेयरिंग के द्वारा भी इसका एक नया पौधा तैयार कर सकते हो। दोस्तों एक आज मैं एक अब जो नया तरीका है दोस्तों आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। दोस्तों हम दाब विधि का यूज करेंगे। दोस्तों दाब विधि में क्या होता है दोस्तों, इसके जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक इंच का छील के यहाँ पे इसके छिलका हटा के उसको जमीन में दाब देंगे। दोस्तों इस मेथड को हम दाब विधि बोलते हैं। दोस्तों इससे क्या होता है दोस्तों कि आप अपने घर पे ही आप एक नींबू का, एक तरह से लेमन का, एक तरह से पौधा आप अच्छा सा हेल्दी पौधा तैयार कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, हमने दोस्तों एक और नींबू तैयार किया है। दोस्तों ये हमने बीज से तैयार किया है। दोस्तों अगर आप जाते हैं किसी भी नर्सरी पे, आप अगर नींबू का एक तरह से नया प्लांट आप खरीदते हैं तो आपको 200-300-250 रुपए में आपको देना पड़ेगा एक नए पौधे के लिए। दोस्तों लेकिन दोस्तों हम बताएंगे कि आप अपने घर पे ही सबसे सिंपल और आसान तरीके से एक प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे तैयार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे हम लगाएंगे। दोस्तों इसको आपको काफी सावधानी और काफी एक तरह से अच्छे से इसको लगाना होगा, क्योंकि दोस्तों ये देख सकते हैं आप, देखिए ऊपर से देखिए कितने इसमें शार्प कांटे हैं। थोड़े से भी आप गलती करेंगे दोस्तों इसे कट लेने में, या कोई भी अगर आप इसका कलम लगाते हैं या एयर लेयरिंग करते हैं, थोड़ी सी भी आप गलती करेंगे दोस्तों आपके ये हाथों में लग सकता है, जो काफी खतरनाक होगा। दोस्तों काफी सावधानी पूर्वक दोस्तों हम इसका एक तरह से यहाँ पे दोस्तों देखिए हम कट लगा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको चारों तरफ से दोस्तों इसके स्किन को आपको हटा लेना है अच्छे से। दोस्तों इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक हटाएं। ये देखिए दोस्तों ये काफी कारगर तरीका है। दोस्तों इसको दाब विधि बोलते हैं। आपने कॉलेज के टाइम में अगर स्टडी किया हो तो बायो आपने पढ़ा हो एक तरह से एग्रीकल्चर, तो उसमें आपको ये मेथड बताया गया होगा। आजकल जो सबसे ट्रेंडिंग दोस्तों है वो है आपका कलम लगाना। कलम आपको काफी आसानी से काफी अच्छे से लग जाता है। और एक और तरीका है एयर लेयरिंग, वो भी काफी कारगर तरीका है दोस्तों। लेकिन हमने सोचा एक नया तरीका आपको बताते हैं। अगर आपके ग्राउंड में काफी आपका प्लांट छोटा है तो आप इसको दाब विधि से भी अच्छे से ग्रो कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों आपको इसको अच्छे से आपको इसको हटा लेना है दोस्तों काफी सावधानी से। दोस्तों मैं बताना ये चाहूंगा दोस्तों कि आप इसको चारों तरफ से जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर आपका ये पौधा काफी थोड़ा सा हाइट पे है, एक मतलब अगर 5-10 इंच ऊपर है आपको, तो आपको क्या करना है मट्टी भरना है। देखिए दोस्तों ने मट्टी भरा है, यहाँ पे मट्टी भर के फिर आप इसको अच्छे से लगा सकते हो। दोस्तों जैसे इसमें 15-20 में इसमें रूट्स आ जाते हैं तो एक बार आप चेक कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप यहाँ से इसको काट के इसके पार्ट्स को अलग कर सकते हैं। दोस्तों काफी ये कारगर तरीका है। दोस्तों काफी ज्यादा इसका यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में, एक तरह से नर्सरी वाले इसका यूज काफी ज्यादा करते हैं नए पौधे बनाने में। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा एक तरह से तैयार हो गया है। हमने काफी अच्छे से इसके चारों तरफ के देख सकते हो, तो आपसे छिलके हटा लिए। दोस्तों ये देखिए दोस्तों हमने एलोवेरा लिया हुआ है। दोस्तों हम इसको एलोवेरा लगा देंगे चारों तरफ से। दोस्तों एलोवेरा क्या करता है, फंगल इन्फेक्शन का काफी काम करता है। जो हमारे फंगस होते हैं इस एक तरह से रूट्स में हमारे फंगस नहीं लगते हैं, एक तरह से रूट हार्मोन का भी काम करता है। दोस्तों हम क्या करेंगे ना इसी के साथ ही इसको लगा देंगे, क्योंकि ये इसमें थोड़ी सी नमी है तो इसमें नमी भी मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों हम इसको चारों तरफ से ऐसे देखिए ऐसे लगा देंगे, एक तरह से रूट हार्मोन का भी काम करेगा स्टार्टिंग में जो भी। ये देखिए दोस्तों इसको अच्छे से यहाँ पे ऐसे रख के, और दोस्तों ये देखिए चारों तरफ से हम इसको मट्टी से दोस्तों काफी सावधानी से दोस्तों इसको आपको दोस्तों देखिए दोस्तों चारों तरफ से इसको मट्टी से यहां से देखिए दबा देंगे हम आपको काफी अच्छे से। अगर दोस्तों ये देखिए आप ईट का यूज कर सकते हैं इसका, थोड़ा सा यहाँ देखिए हमने ईट लगा दिया है क्योंकि ये उठे ना, इसको प्रॉपर एक तरह से हम मट्टी चारों तरफ से भर देंगे। दोस्तों ये 15-20 दिन में दोस्तों इसमें नए नए एक तरह से रूट आने शुरू हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे इसको यहाँ से कट करके फिर दोस्तों यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे, फिर हमने हमारा नया पौधा तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों काफी अच्छे से इसको आपको मट्टी से खूब अच्छे से दबा देना है चारों तरफ से खूब प्रॉपर, ताकि ये ऊपर न उठ सके।
दोस्तों कांटे से आपको काफी सावधानी से इसको दबाना है। कांटे काफी खतरनाक होते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से नहीं करेंगे, काफी केयरफुली करना है। एक इसमें देख सकते हैं नया, इसमें ऑलरेडी एक नया ब्रांच आ रहा है ऊपर, ये देखिए। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कितने दिन में ये रूट्स इसमें आ जाते हैं।